नमस्कार, हूँ छु विधि। वात उत्तराखंड की करिए कि ज्या जोशीमठ बाय ग्लेशियर तूट्यू अने तेना कारणे तबाही मची गई। जिला रेणीकाम पास ग्लेशियर पड़वाथी डेम तूट्यू, डेमनू पाणी धौलीगंगा सहित नदियों में पहुंच्यू अने पूर आव्यू। दुर्घटनाथी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट ने मोटू नुकसान थयु छे। उत्तराखंड मुख्य सचिव नु कहेवु छे कि घटना बाद पावर प्रोजेक्ट में काम करनारा 100 થી 150 लोग गुम थया छे। नदीना किनारे वसेला केटलाय गाम पाणी में डूबी गया छे। आसपासना गामों ने खाली करावामां आवी रह्या छे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ना जवानों द्वारा बचाव कार्य चाली रह्यु छे। तो ऋषिगंगा सिवाय एनटीपीसी ना पण एक प्रोजेक्ट ने मोटू नुकसान पहुंच्यू छे। उत्तराखंड दुर्घटना ने लेने मुख्य सचिव द्वारा जो कहवा रहा है तेनी जानकारी आपने अत्यारे आपी रह्या छे। 100 થી 150 लोगोना मौतनी आशंका व्यक्त कराई रही छे। अचानक आवेला पूरथी मोटा नुकसान की शक्यताओं पण अत्यारे देखाई रही होवानुं मुख्य सचिवनुं आ निवेदन छे। तेमनुं कहेवुं छे कि अत्यारे तमाम प्रकारनी राहत अने बचाव कार्य थई रह्युं छे। आर्मीनी कॉलम पण जोशीमठ जवा माटे रवाना थई गई छे। तो उत्तराखंड दुर्घटना ने लईने अत्यारे स्थानिक प्रशासन अने साथे ज केन्द्र सरकारे पण आ संपूर्ण बाबतनी गंभीर नोंध लीधी छे। गृहप्रधान थी लईने वडाप्रधान सुधी तमामे उत्तराखंडना सीएम साथे वातचीत करी छे। गृहप्रधान अमित शाहे सीएम रावत साथे टेलिफोनिक वातचीत करी होवानी जानकारी आपने आपी दई कि ज्यां गृहप्रधाने सीएम रावत पासेथी जे संपूर्ण घटना बनी छे तेनी तमाम माहिती मेळवी छे। गृहप्रधाने त्यां सुधी कह्युं छे कि देवभूमिने दरेक संभव मदद केन्द्र सरकार करशे अने युद्धना स्तरे बचाव कामगीरी अत्यारे चालू होवानुं पण अमित शाह द्वारा कहेવામાં આવ્યું છે। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। तो गृहप्रधान द्वारा जो कहवा तेज सांभू जब स्पष्टपण कहूं कि केन्द्र सरकार उत्तराखंड सरकार ने तमाम संभव मदद करशे। जो बधु बचाव कार्य माटे जवानों की जरूर पड़शे तो अत्यारे दिल्ली थी त्यां पहोंचवा माटे तैयार छे। तो आ सिवाय जो स्थानिक तंत्र छे उत्तराखंड मुख्य प्रधान थी लईने वहीवटी विभाग पण अत्यारे संपूर्ण मामले कार्यवाही करी रह्यो छे। जे प्रकारे जानकारी छे 100 થી 150 जेटला लोको तणाया पण होई शके छे। केटलाय गाममां आ तबाहीनुं पूर पहोंची चूक्युं छे त्यारे त्यां पण लोकोने नुकसान सहन करवानो वारो आव्यो होई शके छे। परंतु अत्यारे प्राथमिकता ए ज बाबतने अपाई रही छे कि ज्यां परिस्थिति वधु खराब थई रही छे त्यांथी लोकोने स्थळांतरित करवामां आवे। दुर्घटनावाळा स्थळ पासेथी 2 मृतदेह मळ्या होवानी जानकारी अत्यारे सामे आवी रही छे। बचाव माटे हेलिकॉप्टरथी सतत सर्च ऑपरेशन पण चालू छे। जो कोई व्यक्ति फसायो छे तेने तात्कालिक लिफ्ट करी शकाय ते माटेनी कामगीरी पण थई रही छे। सेनानी 4 कंपनी पण बचाव कार्यमां जोडाय होवानी विगत छे। तो मेडिकलनी 2 टीम पण जोशीमठमां अत्यारे तैनात करी देवाय छे। जो कोई व्यक्ति ने तात्कालिक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नी जरूर छे तो ते पण आपी शकाय। अने जे विस्तार पर अत्यारे रस्ताना मार्गे पहोंचवू शक्य नथी त्यां हेलिकॉप्टरनी पण मदद लेवाय रही छे। सर्च ऑपरेशन अत्यारे चाली रह्यो छे। जो कोई व्यक्ति त्यां फसायो होय तो प्राथमिक जे तमाम विगतो छे ते अनुसार तेने बचावी शकाय अने तेने जरूरी सारवार नी पण प्राप्ति करावी शकाय। तो आ तमाम प्रकारनी अत्यारे त्यां गतिविधि अत्यारे चाली रही छे। उत्तराखंडना लोकोए फरी एक वखत आ तबाहीनो आवो सामनो कर्यो छे कि ज्यां लोकोने जीव घर वखरी ने नुकसान थयुं होय अने केटलाय गामो जाणे तणाઈ ગયા હોય।
मार्च कर चुकी है जी। उसके बाद ITBP के आदमी पहुंच चुके हैं वहां पर जी। हमारी जो SDRF की टीम है वो पहुंच चुकी है जी। और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है, कैजुअल्टी जो है 100 से 150 के बीच हो चुका है। ग्लेशियर की जो घटना घटी है उसने जो एक ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था नीति घाटी में, मलारी घाटी में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहाँ 50 से अधिक आदमी काम करते थे, उनके भी लाइफ की लॉस की संभावना है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, उत्तराखंड पुलिस की और SDRF की, और वो जो सिल्ट है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है। एक दो कुछ घायलों को बचाया भी गया है। घायलों ने बचावा पड़ाव्या छे। प्राथमिक जानकारी अब तक स्थानिक अधिकारी छे तेओ जणावी रह्या छे। अत्यारे કેઝ્યુઆલિટીની તેઓએ વાત કરી કે 100 થી 150 લોકોનો અંદાજ અત્યારે લગાવવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ જે કેટલીક તસવીરો સામે આવી છે તસવીરો ખૂબ ભયાવહ છે અને પરિસ્થિતિ ત્યાં કેટલી હદે ગંભીર છે તેની જાણકારી આપતી પણ આ તસવીર છે। જો કે આ તમામની વચ્ચે ઉત્તરાખંડના સીએમ ત્રિવેન્દ્ર રાવત દ્વારા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ જૂની તસવીરોને આ સમયે વાયરલ ન કરે કે જેના કારણે લોકો વધુ પેનિક થઈ જાય, લોકો વધુ ગભરાટમાં આવી જાય। અત્યારે તમામ સંભવ કોશિશ, જે લોકો ફસાયા છે જે વિસ્તારોમાં વધુ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે ત્યાં મદદ પહોંચાડવાની, લોકોને બચાવવાની કામગીરી અત્યારે ચાલી રહી છે। સેનાના જવાનોથી લઈને NDRF SDRF